बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे। इस फिल्म के जरिए शाहिद और कृति पहली बार एक साथ काम करते नजर आ रहे हैं। दोनों की फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार मिला था, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में भी अच्छा खासा कारोबार करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में तेरी बातों में उलझा जिया को लेकर आम जनता से लेकर ट्रेड एनालिस्ट तक अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि शाहिद की फिल्म पहले दिन कितना कारोबार कर लेगी। सैग्नल की रिपोर्ट की माने तो शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया पहले ही दिन 6 से 7 करोड़ के बीच का कारोबार कर सकती है। ये आंकड़े एडवांस बुकिंग को देखते हुए बताए गए हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि इस फिल्म को वैलेंटाइन डे वीक का पूरा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये एक कॉमेडी लव स्टोरी है जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगी और इसको देखने के लिए लोग थिएटर्स भी आ सकते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर फिल्म की माउथ पब्लिसिटी बेहतर रही तो ये फिल्म हफ्ते के अंत में 27 से 30 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर लेगी। यानी अब पूरा मामला जनता की पसंद पर टिका हुआ है। अगर उन्हें पहले दिन ये फिल्म पसंद आती है तो इसकी कमाई में उछाल भी आ सकता है। शाहिद कपूर की आखिरी फिल्म जर्सी थी। इस फिल्म ने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर 2.93 करोड़ का कारोबार किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। उनकी एक और फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू ने रिलीज के पहले दिन 6.50 करोड़ कमाए थे। हालांकि मेकर्स इन आंकड़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं थे और निराश दिखे थे। फिल्म रंगून ने भी पहले दिन 5.05 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया कारोबार करती है तो ये फिल्म और फिल्मों को मात दे सकती है उनकी। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।